हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर 8 बॉल पुल वीडियो। उम्मीद है सभी माँ के बेटे 1 नवंबर होंगे। भाई लोग, एक मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और सबसे पहले तो भाई थैंक यू सो मच जितने भी कमेंट्स तुम लोगों ने किए और जो मैंने फॉर्म फिल करने का बोला था तुम लोगों ने, वो बहुत सारे लोगों ने फिल कराए। तो मैं फिर से वो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिस किसी को भी जानना है कि मैं क्या नया आइडिया लेके आया हूँ या क्या तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ, अगर कोई नया बंदा यहाँ पे देख रहा है, उसने अगर वो फॉर्म फिल नहीं किया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ। बहुत मस्त सरप्राइज तुम लोगों को मिलने वाला है। बस 30 सेकंड भी नहीं लगने वाले तुम लोगों को फिल करने के लिए, जल्दी से वो फिल कर दो भाई। लेकिन उसके पहले मुझे ये चीज़ बताओ कि मैंने क्लिप ने क्या किया है। भाई ये 2019 से पहले वाले जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएंगे और जो 2019 के बाद वाले हैं वो बच जाएंगे। अगर तुमने उसको तुम्हारे ट्विटर या फिर जीमेल या फिर आईक्लाउड अकाउंट से नहीं किया, तो भाई मेरा तो मेन अकाउंट जो है भाई वो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। तो अब ये मेरा सेकेंडरी अकाउंट है, वीडियो बनाने के लिए मैंने ये वाला अकाउंट लॉगिन किया है। तो प्लीज़ मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं, या भाई हमारे अकाउंट के घोड़े लग गए हैं। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ और फॉर्म फिल करना मत भूलना, है ना। और ये वाला जो वीडियो भाई होने वाला है, ये होने वाला है पूरा कमेंट्री वाला वीडियो, है ना। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई कमेंट्री वाले वीडियोस तुमको ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर म्यूज़िक वाले। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जो जितनी भी वीडियो रहेगी वो कमेंट्री वाली वीडियो में डालूंगा, मतलब सारी जितनी भी ये 8 बॉल पुल वाली वीडियो है। तो भाई ये टेबल अब आई है, तो मैंने सोचा कि चलो अब ये नया, मतलब नया अकाउंट नहीं, ये शायद मैं तो ये भी भूल गया हूँ कि भाई ये वाला मेरा अकाउंट कौन सा है। ये शायद पता नहीं मैं इस पे क्यूज़ वगैरह अनलॉक कर रहा था, शायद ये वो वाला अकाउंट है, तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन फिर भी ये नई टेबल मैंने देखी क्रूसिबल हॉल वाली, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी रिंग लेने की कोशिश करते हैं। जितने दिन भी टिकता है तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी रिंग ले लें। और प्लीज़ यार मेरे को वो अकाउंट वाला बताओ यार, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या करें, क्योंकि वो मेरा मेन अकाउंट है और अगर वो चला गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। तो ये वाला जो टेबल आई है, चलो इसकी रिंग लेने की हम कोशिश करते हैं। चलो भाई, क्रूसिबल हॉल चैलेंज, क्रूसिबल हॉल, लेट्स गो भाई। उम्मीद है कि हमारा गेम अच्छा जाएगा। ये 10 मिलियन वाली बैट हम करते हैं, चलो ठीक है। मेरा नाम भी इसमें दीपक है यार, 156 इसका लेवल है। गजब, ओह 90 ब्रायन, ये कोई बाहर का बंदा लग रहा है। फिलीपींस का इसका वो है। चलो भाई, हम हमारा जो नॉर्मल ब्रेक हमेशा हम करते हैं, बोलते हैं कैजुअल ब्रेक, है ना, थोड़ी सी स्पिन यूज़ करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनडायरेक्ट खेलूँ, लेकिन भाई यार इनडायरेक्ट गेम मेरा है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। सही बोल रहा हूँ भाई, एक बॉल तो चले, हाँ चली गई भाई, पर्पल वाली गई है हमारी स्ट्राइक पल पर, है ना, पल नॉट पर्पल। ये वाली समझ में नहीं आ रहा भाई, टेबल पूरी बिगड़ी हुई। चलो एक ग्रीन वाली ट्राई करते हैं, मिडिल वाली पॉकेट में, जल्दी से थोड़ी सी टॉप स्पिन यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारी बॉल रिटर्न लेफ्ट साइड में आ जाए, है ना, ताकि किसी और बॉल को डिस्टर्ब ना करें। चलो ये ठीक है। वैसे ये जो लेफ्ट में बॉल उलझी हुई है भाई, इसको पहले सटकाना पड़ेगा, इनको पहले पॉट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी उलझी हुई है। पॉट 6 small ball टू विन द गेम। ओके भैया थैंक यू। ये जा रही है क्या? लेट्स मी ट्राई। अरे नहीं जा रही, टकरा जाएगी यार। नहीं लग रहा ये जाएगी, नहीं यार, नो। इसको ट्राई करते हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा बैकस्पिन यूज़ करता हूँ, है ना, ताकि ये ब्लैक डिस्टर्ब भी हो तो एटलीस्ट ये बॉल जो है ना पॉट ना हो। बैस की पूछ यार, पहला ही गेम खेला यार, साले मैग्नेट एक्टिवेट हो गए। चलो भाई, दिल पे पत्थर रख के मैंने दूसरा गेम चालू कर दिया है भाई इसमें। अरे यार ये मेरे फोटो को क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। ये जो मेरा क्या बोलते हैं प्रोफाइल पिक्चर क्यों नहीं दिख रहा है भाई, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। शायद उर्दू लिखी हुई है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है क्योंकि ये लैंग्वेज में जानता नहीं हूँ। बंदे ने बहुत एक भी बॉट नहीं करी, अब एक भी बॉल पॉट नहीं हुई। चलो ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन भाई ये तो पूरी टेबल बकवास, कितना बकवास ब्रेक है भाई, मतलब बहुत डिफिकल्ट, समझ में नहीं आ रहा है। ये वाली अगर करेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी चांसेस नहीं है भाई। अब हम कोशिश करेंगे सेकंड क्यू गाइडलाइन से, है ना, ये तो खैर कॉम्बो शॉट बोल सकते हैं इसको, सेकंड क्यू गाइडलाइन बैक स्पिन यूज़ करेंगे ताकि हमारी रेड वाली पॉट हो जाए ना, रेड स्ट्राइप्स नहीं सॉरी पर्पल, है ना, पर्पल वाली। यस
एक चीज और अच्छी हो गई कि जो स्ट्राइप सॉरी सॉलिड्स वाली बॉल है ये खुल गई अपनी। लेकिन भाई अब इनडायरेक्ट अगर खेलना है तो भाई यहाँ पे भी मैटर पूरा उलझा हुआ है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। चलो एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन शॉट मारते हैं, ट्रिपल कॉम्बिनेशन, ट्रिपल बोल सकते हैं। वेट, थोड़ा सा ग्रीन वाली पॉट कर रहा हूँ है ना मैं, परफेक्ट। लेकिन हमारी भाई अब अच्छा ये जा सकती है, रुको ये वाली चेक करते हैं, ये चले जाएगी, यस ये चले जाएगी। बैक स्पिन यूज करते हैं ताकि हमारी ये जो ऑरेंज वाली है ये भी डिस्टर्ब हो जाए है ना, और हमारी बॉल की पोजीशन, ए भाई रुक जा। लेकिन अब एक चीज बताऊं तो वही, अब तो भाई नहीं, अब नहीं हो पाएगा भाई, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। वेट ये, अरे भाई घोड़े लग गए भाई, लग गए घोड़े यार, ये क्या हो गया। वेट ये जाएगी इधर, अरे यार मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मतलब कैलकुलेशन ख़त्म हो गया। चलो एक काम करते हैं, ये येलो वाली कॉम्बिनेशन के साथ में अपनी ये जो ब्राउन वाली बॉल है इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करते ही हैं। नहीं अच्छा उसकी चली गई पर मेरी नहीं गई, क्या मेरे को लग ही रहा था कि हम इतनी गंदी पोजीशन में आके, हमारी बॉल की जो पोजीशन इतनी गंदी मतलब इतनी फैली हुई थी तो मेरे को तो नहीं लग रहा था कि चले जाएगी। लेट्स सी ये बंदा क्या करता है। अच्छा इसका नाम क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से इसका नाम मेरे को बता दो अगर किसी को उर्दू आते हो। भाई ये तो बहुत ही धीरे धीरे खेल रहा है यार, अरे भाई इसको कोई बोलो यार, इसको बोलो कि कोई थोड़ा सा तेज खेल ले भाई, क्या कर रहा है भाई इतनी धीरे खेल, ए भाई इतना टाइम लगाया ये वाले शॉट के लिए और उसके बाद भी जाके मिस कर दी, वो भी डायरेक्ट शॉट। भाई आई डोंट थिंक सो, आपका लेवल ये सही रियल लेवल है, लगता है किसी बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। चलो ये इनडायरेक्ट खेलते हैं, पर्पल ऑन द लेफ्ट, थोड़ा सा पोजिशन का भी ध्यान, और ओके वेट ये वाली है, फिर एक दो तीन ठीक है, इसको हम टॉप राइट में पॉट करेंगे जल्दी से ही, थोड़ा सा फ्रंट स्पिन यूज़ करते हैं ताकि हम एंडिंग से ही हो जाए। वैसे ये मैं नॉइस, वैसे ओके वेट, मैं कुछ बोलने वाला था लेकिन मेरी पोजीशन देख के मेरी फट गई, रुको भाई अब मैं सुनो मेरी बात, सारे बैठ जाओ एक जगह बैठ जाओ, बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो ऑरेंज वाली ना इससे टच करके येलो नीचे टच होगी बॉटम वाली रेल में और फिर टॉप लेफ्ट पॉकेट में जाके पॉट करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, पता नहीं ये पॉट होगी या नहीं होगी। ये तो ऊपर वाले के हाँ नहीं गई, कहीं भी नहीं गई भाई, कहीं भी नहीं गई भाई, अब तो ये जीत जाएगा। नाउ इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, भाई ये जिस स्पीड से खेल रहा है ना धीरे धीरे, मेरे को नहीं लग रहा है कि ये जो इसका रियल, ये जो इसका लेवल है, ये इसने किसी अपने भांजे भतीजे या रिश्तेदार या किसी सड़क चलते बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया है और ये वो बच्चा खेल रहा है, क्योंकि लिटरली इस स्पीड में तो मैंने पता नहीं कौन सी सदी में किसी के साथ में खेला था इतनी धीरे खेलने वाला बंदा, मतलब मैंने काफ़ी टाइम बाद, मतलब मेरे को नहीं पता था कि इतना टॉर्चर मेरे को सहन करना पड़ेगा भाई इतने टाइम बाद में खेला। भाई ये बंदा या तो इसने शरीर में नशे कर रखे हैं या फिर ये बच्चा है। चलो ये वाली अबे भाई ये बॉल तो जाती थी, अबे ये क्या, और भाई IDFC, अरे बहन भाई लिटरली मैं सही बता रहा हूँ, ये IDFC वाले भाई दिन में 1.5 करोड़ बार मेरे को फोन करते हैं, भाई लोन चाहिए, अबे भाई नहीं चाहिए लोन, मेरे को नहीं चाहिए भाई लोन, अबे लोन वोन तो ठीक है, ये बंदा एकदम से इनडायरेक्ट कैसे क्यों खेलने लग गया भाई। इसको एक कोई सी अच्छी सी ये चैट फेंक के मार रहे दो, रुको अबे ये सब क्या है, अबे ये सब क्या, अबे ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है ना, अरे यार रुको कौन सा वाला इसको दूं मैं चैट, क्योंकि इससे मेरे को बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया भाई, ये इनडायरेक्ट कैसे खेल, हम इनडायरेक्ट खेल रहे होंगे ना, इससे अच्छा मेरे को कोई वो नहीं मिला तो मैंने फिर यही साइन कर दिया भाई, टेक योर टाइम। लेकिन हम भाई इनडायरेक्ट खेलेंगे ना बॉटम लेफ्ट में, वेट
ये शायद है ना अपने को देख के, अपन इनडायरेक्ट खेल रहे ना, तो शायद अपने को देख के ये इंस्पायर हो गया। चलो भाई अच्छा है, कम से कम अपने को देख के कोई तो इंस्पायर हो रहा है भाई इनडायरेक्ट खेलने के लिए। चाहे अपना गेम अच्छा नहीं बचा हो, पहले जैसा नहीं रहा हो, लेकिन कोई तो इंस्पायर हो रहा है। इसको टॉप राइट में ये भी थोड़ा सा कम पावर के साथ में मारूंगा, है ना भाई। अब सदी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है कि ये वाली बॉल हम किस पॉकेट में पॉट करेंगे। हमने डिसाइड करा है भाई हम बॉटम राइट में जाएंगे। थोड़ा सा फ्रंट स्पिन, वेट एंगल भाई, ओए मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भाई एंगल बहुत ज़्यादा बिगड़ा रुका थोड़ा सा। और आई थिंक इसमें ओ भाई बिजली कड़क रही है, अबे बाहर भयंकर, अबे बॉल भी मिस कर दी भाई, भयंकर बारिश हो रही है बाहर, अबे क्या ही बारिश हो रही है। अभी मैं लिटरली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नहीं तो बाहर जाके मैं भाई इतना भयंकर, अगर तुम लोगों को बादल गरजने की आवाज़ आई भाई ये तो जीत जाएगा यार। बादल गरजने की आवाज़ आई तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन भाई प्लीज़ थोड़ा डिफिकल्ट शॉट जाए यार, ये क्या कर रहा है लौंडे यार, प्लीज़ प्लीज़। आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट शॉट के लिए जा रहा है। ओए होए 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 होए, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है भाई, 1 नवंबर। तो भाई अब हम जाने वाले हैं एक ऐसे शॉट के लिए जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। खैर अभी मेरी करंट स्किल, राइट मैन, करंट स्किल सेट के हिसाब से तो बहुत डिफिकल्ट शॉट है। एक रुको, आई थिंक इतना पावर सही रहेगा। अरे यार चा एंगल थोड़ा सा स्पिन, आई थिंक ये चले जानी चाहिए। कमान यार भाई लोग, अब दिल थाम के बैठ जाओ, अब सदी का सबसे बेस्ट शॉट आने वाला। 1 2 3 4 5 6 7 वेट बूम, नाइस भाई, इसको बोलते हैं सबसे बेस्ट शॉट। भाई ऐसे शॉट में पहले ऐसे ही मार लेता था यार, अब देखो ये वाला शॉट भी मेरे को, इसमें भी इतनी एक्साइटमेंट मेरे को हो रही है ये वाले शॉट में भी, क्योंकि मेरे को पता है ना यार, जब कोई इनडायरेक्ट खेलता है और फिर वो बीच में गेम छोड़ देता है, फिर काफ़ी टाइम बाद वो वापस खेलने के लिए आता है, तो जब वो सिंगल क्वेश्चन शॉट भी मारता है ना, तो भाई इसको बहुत मजा आते हैं मारने में, क्योंकि उसको फिर पुरानी यादें जो रहती है वो ताज़ा हो जाती है। तो चलो भाई लोग आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को मज़ा आया हो तो भाई बिल्कुल लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नए लौंडे अगर हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, घंटे पर लटक जाना, घूसे मार देना, जो भी तुम लोगों को करना है वो कर देना, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जो फॉर्म की जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है भाई लोग, मांगे बेटो उसको फिल करना बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। तो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम लोगों को ये कमेंट्री मेरी पसंद आ रही है, यानी कमेंट्री वाले वीडियोज़ ही मैं कंटिन्यू रखूँ या फिर जो बेसिक म्यूजिक वाले वीडियोज़ रहते थे वो। तो भाई मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, गुड बाय गुड नाइट।